हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बैंकर्स अड्डा का जो मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से। तो फ्रेंड्स, हमें पता है हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें यह भी पता है कि वेरियस टॉपर्स बैंकर्स अड्डा के कंपाइलेशन के बारे में रिफ़र करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये बहुत ही कंसाइजली दिया होता है, तो इसमें हमें टॉपिक समझ नहीं आते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसके टॉपिक्स को समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस लेक्चर सीरीज़ का कि हम इसमें ट्रिक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। फिर हम फिल्टर आउट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अदर न्यूज़ के साथ, क्योंकि इतना सारा डाटा दिया होता है, स्टूडेंट्स जब स्टार्ट करता है पढ़ना तो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे प्रायोरिटी कैसे देनी है और क्या याद रखना है। तो हम ये भी काम करेंगे इसमें। फिर लास्ट में हमारा एक स्पेशल फीचर्स होगा क्विक नोट्स, जिसमें हम जितना भी वीडियो में दिया हुआ है उसे एक पेज में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है पीएम मोदी गए विजिट पे रवांडा और उगांडा। तो पहले हम लोकेशन देखेंगे कि रवांडा और उगांडा हैं का। देखिए, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहाँ देखिए साउथ अफ्रीका। तो ये दो कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे, पहला है रवांडा, दूसरा है उगांडा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी वर्ल्ड मैप या फिर इंडिया का मैप खोल के रखिए ताकि आपको बार बार लोकेशन देखने में ईजिली आप देख सकते हैं। तो रवांडा के साथ क्या हुआ, इंडिया ने साइन करा, एक MOU साइन किए हैं जिसमें एक इम्पोर्टेंट है, 100 मिलियन US डॉलर देंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इसमें ईच है 100 मिलियन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी दिया है और किगाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी दिया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, टू विच कंट्री इंडिया ऑफर्ड 100 मिलियन US डॉलर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। तो आंसर हो जाएगा हमारा रवांडा। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि 200 कॉल्स टू विलेजर गिफ्ट की है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये थोड़ा सा अलग है, यूजली हम ऐसे कॉल्स को गिफ्ट नहीं करते हैं, तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड विजिट थी युगांडा की। इसके साथ जो MOU साइन करे हैं वो मोस्टली कंट्रीज़ के साथ साइन करते हैं, तो इसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, बट आप एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन एक तो यहाँ से भी बन सकता है कि अब ये दो कंट्रीज़ न्यूज़ में हो गई तो हमें इनकी कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो युगांडा का कैपिटल है कंपाला, जिसके लिए हमने निमोनिक्स बनाया है गंदा कम करो। युगांडा से अगर हम यू हटा देंगे तो गंदा हो जाएगा आगे का वर्ड कम। मोदी जी हर जगह कहते हैं स्वच्छ भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि गंदा कम करो। तो अब अगर क्वेश्चन में युगांडा की कैपिटल पूछा तो कम से हम बता सकते हैं कि आंसर होगा कंपाला। ऐसे ही रवांडा की कैपिटल है किगाली। किगाली वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंट जो डील्स थी वो भी साइन हुए हैं, तो ये वैसे भी बहुत न्यूज़ में आता था पहले। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा निमोनिक्स बनाया है रवांडा गाली मत दो। हम किसी भी चीज़ की गाली बना देते हैं और रवांडा जैसे वर्ड की तो बनी जाती हैं, तो दिस इज़ फॉर अ फन। तो अगर आपको कुछ और तरीका अच्छा लगता है याद करने का, आप उससे भी कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव है आपको बताने का कि आपको कैसे याद करना है। और ये काओ की मैंने पिक्चर दे दिए ताकि इसको देख के आपको याद रहे कि काओ गिफ्ट की थी मोदी जी ने रवांडा में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये है अबाउट ब्रिक्स समिट। सी फ्रेंड्स, ब्रिक्स क्या है, जैसे हम कुछ भी ग्रुप मिलके, जैसे हम कॉलेज में ग्रुप बनाते थे तो ऐसी ही कंट्रीज़ कुछ ग्रुप बना देती हैं, तो ऐसे ग्रुप का नाम है ब्रिक्स। इसमें बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। तो हम पढ़ेंगे इसका जो 10th एडिशन ब्रिक्स समिट हुआ है वो हुआ है जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो कि यहाँ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि 10th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था, तो आंसर होगा जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका। दूसरा, हमें थीम याद रखनी है, थीम है ब्रिक्स इन अफ्रीका। अगर हमें फर्स्ट चीज़ याद हो गई कि ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो हम थीम भी MCQ में जज कर सकते हैं कि ये थी ब्रिक्स इन अफ्रीका। और इसमें बात की गई थी अबाउट 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यह हमें याद रखना है। सी फ्रेंड्स, अब तक 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुके हैं, तो अभी बात 4th की चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा हाईटेक न्यूज़ जो लाइक
आजकल एंड्रॉयड थिंग्स के बारे में बात चल रही है कि हम अपने डिजिटल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड से कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ये यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, हम देख सकते हैं। अब एक इसका स्टैटिक जो है न्यूज़ है इसके बारे में, ये है कि ब्रिक्स कंट्री में लास्ट में कौन सी कंट्री ऐड हुई थी, वो थी साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, ये 2009 में इसका फर्स्ट समिट हुआ और जब थे सिर्फ चार कंट्री BRIC, बट 2010 में ये बन गया ब्रिक्स जब इसे साउथ अफ्रीका में ने ज्वाइन करा। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन इज़ द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो एक तो एस लास्ट में भी आ रहा है अल्फ़ाबेट, इससे भी हम बता सकते हैं कि आंसर है साउथ अफ्रीका। एक और न्यूज़ है कि रमन मैक्स अवार्ड के बारे में, तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एक तो ये बन सकता है कि ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये है फिलीपाइन। तो इसके प्रेसिडेंट थे एक रमन मैक्से, उनके नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है। तो ये न्यूज़ में इसलिए कि ये यहाँ पे दो आदमियों को इंडियन है उन्हें मिला है, पहला है भरत वतवानी, सेकंड है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वैसे भी आजकल न्यूज़ में आए थे क्योंकि इन्हें लोग इन फुनसुक वांगड़ू से कंपेयर करने लगे थे कि इनके ऊपर स्टोरी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मैंने पिक्चर डाल दिए ताकि आपको याद रहे वांगड़ू, अब आपको इस फुनसुक वांगड़ू से याद रहेगा। और सेकंड नाम है भारत वतवानी, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने भारत का नाम रोशन करा है, तो भारत वतवानी। वैसे तो बहुत लोगों ने नाम रोशन करा है बट स्टिल। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट असम ने जो रिलीज़ कराया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। तो इस न्यूज़ हमें ये याद रखना है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न किस स्टेट ने स्टार्ट करा था, तो अभी किस स्टेट ने करा है, तो सीधा आंसर होगा इसका असम। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ NRC अपडेट इज़ टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट्स जो असम में रहते थे। फ्रेंड्स, क्या हुआ, बांग्लादेश बना 1977 में, पहले ये था ईस्ट पाकिस्तान। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था तो यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इंडिया की टेरिटरीज में आ गए थे, यहाँ से और भी जगह गए थे, बट असम में बहुत सारे चले गए थे। तो अब ये सर्वे हो रहा है ये पता लगाने के लिए कौन कौन से इलीगल माइग्रेंट आए थे 1971, अब 24 मार्च 1971 से कौन से इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये इसके लिए स्टार्ट हुआ था, बस हमें मेन याद रखना है कि असम में अभी हुआ ये। अब सेकंड है कि GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी। अब इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे टैक्सेस में चेंजेस हुआ, पर वो हमें याद नहीं करना क्योंकि चेंज होते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट हमें ये याद रखना है कि GST काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर अटेंड करता है, और इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है पीयूष गोयल, तो इन्होंने मीटिंग अटेंड किया। और ये देखने की 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था, और अब 1 जुलाई एज अ GST डे भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून विजिट टू इंडिया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का नाम क्या था, ये आप देख लें मून जाए इन। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में इनॉग्रेट करी नरेंद्र मोदी जी ने एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने। ये सैमसंग की फैक्ट्री है और ये बनाएगी 12 करोड़ अराउंड मोबाइल सेट एनुअली। तो हमें ये याद रखना है कि एक तो लोकेशन कहाँ पे ये फैक्ट्री बनी है और किस कंपनी ने बनाई है। ये फ्रेंड्स कोई नई फैक्ट्री नहीं है, ये एक्चुअली में पहले ही फैक्ट्री थी, बट उसकी एफिशिएंसी और उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगा के वो उसे और डेवलप कर दिया है ताकि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसमें जो ये बहुत सारे MOU साइन हुए हैं साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में, तो इसमें एक था टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज सेंटर। ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज सेंटर किस लिए है, तो ये है फॉर MSME सेक्टर, ताकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ सके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज सेंटर से किसको फ़ायदा होगा, किस सेक्टर को फ़ायदा होगा, तो हम सीधा बोल सकते हैं MSME सेक्टर को। अच्छा, ये एक छोटी सी न्यूज़ ये भी थी कि इंडियन कोरियन बिजनेस फॉर्म जो हुआ है ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था FICCI ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, यहाँ पे देख सकते हैं हम साउथ कोरिया की लोकेशन वर्ल्ड में। ये हमारा प्यारा सा इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, चाइना के राइट में साउथ कोरिया, और इसकी करेंसी है वॉन। तो एस से साउथ, एस से सियोल, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऐसे हम याद कर लेंगे।
अब नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट वर्ल्ड कप 2018। बहुत सारे लोगों ने एंजॉय करा है, ये हमें सबको पता है कि रशिया में हुआ था। पर अगर ये पूछा कि स्टेडियम कौन सा था, तो स्टेडियम का नाम है लुजनिकी स्टेडियम। तो इससे मैंने छोटा सा निमोनिक्स बनाया है, LURU। ऐसे रशिया में RU आ रहा है, ऐसे स्टेडियम में LU आ रहा है। तो ऑप्शन देख के हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि लुजनिकी स्टेडियम है और ये कौन सी सिटी में हुआ है, मॉस्को में रशिया की। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। फ्रांस एमर्ज एज अ चैम्पियन। तो चैम्पियन टीम कौन सी कंट्री थी, फ्रांस। और इसने किसको डिफीट करा है, क्रोटिया को डिफीट करा है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री विन थी और किसको डिफीट करा है। अब इसमें बहुत सारे अवार्ड हैं, एक बार आप नाम देख सकते हैं, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो था जैसे किसी कंट्री को अवार्ड मिलता है तो वो ज़्यादा न्यूज़ में होता है। तो स्पेन को अवार्ड मिला, किस क्या अवार्ड था, फेयर प्ले अवार्ड। मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है और बहुत ही डिसिप्लिन टीम थी, तो ये थी स्पेन। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है एंटोनियो एंटोनियो को, जो कि थे फ्रांस से। तो इसके लिए देखिए मैंने एक पिक्चर बनाई आपके लिए बहुत अच्छी, जिसमें आंट फुटबॉल खेल रही हैं, मतलब चींटियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। तो हमें याद रहेगा कि एंटोनियो बहुत अच्छा था फुटबॉल खेलने में, जिसे मैन ऑफ द मैच मिला। तो थोड़े और फैक्शंस के बारे में, प्राइज मनी था $38 मिलियन। 38 मिलियन US डॉलर, मतलब थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि अंडर 50 था। और ज़बीबा का ऑफिशियल मास्कॉट था। पहले देखिए इसमें ये नहीं बता रखा है क्या होता है, मुझे भी कन्फ्यूज़न हुई थी, मैंने सर्च करा तो पता लगाया है मास्कॉट इसे बोलते हैं। ये एक तरह से मतलब कोई भी गेम होता है उसका एक कहते हैं एक पिक्चर देने के लिए, तो एक वॉल्फ है और एशिया में इसे पॉजिटिव माना जाता है। तो ये ज़बीबा का इस वॉल्फ का नाम है और ये ऑफिशियल मास्कॉट था 2018 फीफा वर्ल्ड कप का। और इस ऑफिशियल सॉन्ग भी हमें पता होना चाहिए, ये था लिव इट अप। अब बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये सॉन्ग जब रशिया का ये वर्ल्ड कप चल रहा था। और इसमें एक अलग हमें ये चीज़ें याद बहुत रखनी पड़ती है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था VAR, लाइक वीडियो असिस्टेंस रेफरी। आपने देखा होगा रेफरी होते हैं जो येलो कार्ड और रेड कार्ड दिखाते हैं और देखते हैं क्या गलत हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप में हुआ था कि यहाँ मशीन लगी हुई थी रेफरी की जगह। तो हमें ये याद रख रहे हैं। और ये और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 2022 में होगा, 4 साल बाद इन कतार। ये सऊदी अरेबिया के ऊपर छोटी सी कंट्री है, इसे हम आगे मैप में देख लेंगे। देखिए कतार आपको हम दिखाते हैं, ये इधर है कतार, ठीक है जी, सऊदी अरेबिया के ऊपर छोटी सी कंट्री। और यहाँ पे स्पेन जो आपको दिखाया है, मोस्ट डिसिप्लिन टीम, फ्रांस वर्ल्ड कप जीती है तो ये दोनों साथ साथ में, रशिया जहाँ मैच हुआ है, ये क्रोटिया है जिससे फ्रांस ने लास्ट में नॉकआउट करा है और फर्स्ट आ गई है खुद। अब है अबाउट चैम्पियनशिप, विम्बलीडन चैम्पियनशिप 2018। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस गेम के लिए होती है। तो देखिए मैंने बड़ी सी पिक्चर बनाई है आपके लिए ताकि आपको याद रहे कि ये टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है ये वाली चैम्पियनशिप। इसमें हम दो नाम याद रख सकते हैं, एक तो मैन सिंगल वुमेन सिंगल, सॉरी मैन सिंगल मिला है नोवेक और वुमेन सिंगल मिला है एंजेलिका को। आप ना पूरा नाम याद करने की कोशिश मत कीजिएगा कि जो भी आपको वर्ड याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आते हैं, बस उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ठीक है। तो मैन सिंगल मिला है नोवेक को, वुमेन सिंगल एंजेलिका। ये हम लोकेशन देख सकते हैं कि ये कहाँ, हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किधर हुआ था। तो इसकी लोकेशन है इंग्लैंड, इंग्लैंड देख सकते हैं यूरोप के ऊपर, ये वाला इंग्लैंड हो गया। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 11,336 करोड़ दिए 5 PSB बैंक को। हम इन बैंक का नाम देख सकते हैं एक बार, PNB कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, आंध्रा बैंक, अलाहाबाद बैंक, इन पांचों को दिया है। तो वैसे इतना डिटेल में आता नहीं है कि पांच बैंक कौन से हैं जिन्हें दिया है, बट ये याद रख लीजिए PNB को हाईएस्ट अमाउंट मिला है। मैं आपको छोटा सा जल्दी से बताऊंगा कि ये कैपिटल कन्फ्यूज़ करते हैं। आप देखेंगे 2,000 करोड़, भाई ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा बैंक है इस पर 2,000 करोड़ से कुछ हो जाएगा या फिर इनमें इतने पैसों की कमी हो गई है। क्या होता है फ्रेंड्स, हर बैंक को अपना पर्सनल कैपिटल भी होना चाहिए। एक होता है बेसल लोन्स, जिसके अकॉर्डिंग अगर अगर आप 100 रुपीज़ लोन पे दे रहे हैं तो 10 रुपीज़ आपके अपने होने चाहिए। तो जो ये अपने रुपए होते हैं ये PNB के कम हो गए हैं, क्योंकि NPA बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी आपने देखा होगा वो मोदी भाई ले गए हैं हमारा बहुत सारा पैसा, तो इस वजह से बैंक की कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो
अगर मान लीजिए 8 रुपीज़ हो गए और चाहिए 10 रुपये, तो ये 2 रुपये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए ताकि ये आराम से लोन और जो इस पे जो पैसे रखे हैं वो लोन में सर्कुलेट कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं भी आया तो हमें बस ये न्यूज़ याद रखनी है। मैं कभी अगर बेसल के बारे में न्यूज़ आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमें याद रखना है प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में। प्रोजेक्ट सशक्त तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो ये बनाया है फॉर डीलिंग विद NPAs। NPAs आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो भी अगर हम बैंक ने किसी को कुछ लोन दिया, बैंक ने किसी को लोन दिया और वो वापस नहीं आया, तो अप टू 90 डेज वो वापस नहीं आया, तो उसे हम बोल देते हैं NPA। तो पहले हमें याद रखना है किस कमेटी ने ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो ये थी सुनील मेहता कमेटी, और सुनील मेहता कौन है? PNB के चेयरमैन है। तो हमें ये नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमेटी ने प्रोजेक्ट शीर्षक के बारे में बताया था या फिर स्टार्ट करा था प्रोसेस। तो ये कमेटी थी सुनील मेहता कमेटी, और ये बता ही दिया आपको NPA के बारे में डील करेगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इस कमेटी ने कहा है कि अगर 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का 500 करोड़ तक कोई लोन अगर बैंक देता है तो वो इंटर क्रेडिटरी एग्रीमेंट के थ्रू जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो एक तरह से क्रेडिटरी एग्रीमेंट होगा। तो हमें रेंज याद रखनी है कि 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच का अगर कुछ भी लोन जा रहा है तो वो इस प्रोसेस से होके जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने MSP इंक्रीज़ कर दिया है खरीफ क्रॉप्स का। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए MSP क्या होता है। इसमें इसके बारे में नहीं दे रखा है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है कि मान लीजिए किसान चावल उगाना चाहता है, ठीक है, बट उसे डर है कि उसका 10 रुपये किलो अगर चावल बन रहा है, पर उसे डर है कि मार्केट रेट अगर 8 रुपये किलो हो गया तो सब लॉस में हो जाएगा, वो बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जब वो फसल भी नहीं लगाएगा उससे पहले बताएगी किसानों को कि राइस का MSP है 15 रुपीज़, 15 रुपये किलो MSP है। तो किसान आराम से फिर अपना चावल उगाएगा, उसे पता है कि अगर मेरा माल कहीं नहीं बिका तो गवर्नमेंट कम से कम 15 रुपये किलो में ले लेगी। तो इसे बोलते हैं MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतने रुपये में तो गवर्नमेंट ले ही लेगी, उससे ऊपर हम चाहें तो बेच सकते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स के प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं MSP के। तो हम देख सकते हैं कि 3 तरह की क्रॉप्स होती है। एक होता है जायद, जो समर, इसे बोलते हैं समर क्रॉप्स। एक होती है रबी क्रॉप्स, जो जिसे विंटर में हम उगाते हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, जिसे रेनी सीजन में उगाते हैं। तो 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं जिसमें से खरीफ क्रॉप्स का MSP बढ़ाया है। आप एक देख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स में क्या कहता है, राइस, मेज, सोरगम, या अलग अलग तरह की पल्सेस और क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करा है। तो ये वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट हमें ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि कितने टाइम में रिवाइज होते हैं। तो ये है क्वार्टरली, मतलब साल, इस साल में क्वार्टरली बेसिस पे इसके रिवाइज होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। अब और न्यूज़ है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2018 जर्मनी में हुआ है, उसके बारे में। तो ये ISSF है, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस गेम से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये लिखा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो हमें पता है शूटिंग से रिलेटेड गेम है। हुआ कहाँ है ये? जर्मनी में। हमने आप मैप में देख सकते हैं यूरोप में कंट्री है जर्मनी, जर्मनी में हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इसमें ये देखना है कि जीता कौन, इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें टॉप पोजीशन मिली है इंडिया को, जिसने डिफीट करा है चाइना को। तो इसलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस गेम में जीती है इंडिया। देखिए ये हो गया जर्मनी, ये आपको इस फ्रांस की मैंने पहले दिखा दिया था, ये स्पेन हो गया। तो आप लोकेशन देख सकते हैं जर्मनी ये रहा। अब नेक्स्ट है बैंकिंग करंट अफेयर्स। इसे थोड़ा और ध्यान से देखना क्योंकि बैंकिंग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये इसमें उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। तो LIC ने साइन करा है इंटर क्रेडिटरी एग्रीमेंट, ओ सॉरी नियर
ये जो प्रोजेक्ट शीर्षक मैंने आपको बताया था उसके बारे में है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि इंटर क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है नियरली 2 डज़न बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग SBI एंड LIC सब ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन करा है, जो कि पार्ट है प्रोजेक्ट शीर्षकता शीर्षक्त इसमें इसका वो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको कि NPA से लड़ने के लिए, तो इसमें लिखा है टू रिजॉल्व स्ट्रेस एसेट्स फास्ट एंड विल प्राइमरी फोकस ऑन NPAs इन द 50 करोड़ टू 500 करोड़ ब्रैकेट। तो आप ये रेंज जरूर याद रखना है कि किस रेंज के लोन से डील करेगा। सेकेंड न्यूज़, पूरी स्ट्रेटेजी आपको याद करना है कि ऑक्सीजन एंड फिनकेयर दोनों ने मिलकर साइन करा एग्रीमेंट टू रोल आउट ब्रांच लेंस बैंकिंग सर्विस, मतलब ब्रांच नहीं होगी इनकी लेकिन ये बैंकिंग सर्विस तब भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा निमोनिक्स बनाया, जैसे ट्री की ब्रांच होती हैं उसमें से ट्री में से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, तो ये ब्रांच से बन गया ब्रांच लेस बैंकिंग सर्विस और ये ऑक्सीजन एंड फिनकेयर ने मिलकर काम कराए। तो एक तरह से ये है कि केयर रखना ट्री की या ब्रांच की जो भी है, तो केयर वर्ड मैंने इसमें ऐड कर ही दिया था कि आपको कैसे भी ऑक्सीजन और फिनकेयर याद हो जाए। दूसरी न्यूज़ है, थर्ड न्यूज़ है, RBI ने दे दिया बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकता है। तो वो ये होता है कि कोई भी बैंक अगर इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है तो उससे पहले RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो RBI ने इसे लाइसेंस दे दिया है। तो एक और न्यूज़ इसमें डिस्कवर दी हुई है कि बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में, उसमें UK स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो आपने बहुत न्यूज़ में भी आता है और ऐड भी बहुत करता है, इसकी हाईएस्ट ब्रांच है इंडिया में, ब्रांच कितनी है 100। तो हाईएस्ट ब्रांच अगर किसी फॉरेन बैंक की है तो ये क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं UK स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड कौन सी कंट्री का बैंक है, तो आंसर होगा UK। लास्ट न्यूज़ है इस पेज में, IBBI हैज़ मैंडेटरी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शुड डिटरमाइन वेदर अ कॉर्पोरेट डेबिटर हैज़ इंक्लूड इन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। तो IBBI आप पढ़ सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ये भी डील करता है कि कैसे NPA को कम किया जाए और कैसे बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए। तो बस इन्होंने, मतलब इससे कोई क्वेश्चन तो मुश्किल बन सकता है, बट ये बताया कि एक प्रोफेशनल होना चाहिए वो स्पेसिफिक टाइम में ये सॉल्व करेगा कि कुछ जो ट्रांजेक्शन हुआ है फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है और क्या करना है। तो बस एक IBBI की फुल फॉर्म देख लीजिए और ये है कि स्पेसिफाइड टाइम में ये करेगा। अनदर न्यूज़ है, येस बैंक स्टार्ट कर रहा है अपना म्यूचुअल फंड, इसे परमिशन मिल गई सेबी से। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, अगर बैंकिंग ऑपरेशन होता है तो हमेशा जो भी लाइसेंस होता है वो देता है RBI, कौन देता है RBI, और अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें जो अप्रूवल देता है वो होता है सेबी। तो RBI सेबी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में आप याद रखना। तो येस बैंक को जो अप्रूवल मिला है सेबी ने दिया है म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का। मोस्टली आप सबको पता होगा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये इसमें म्यूचुअल, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर कंबाइन कर लेते हैं, जैसे एक रिलायंस का ले लिया, एक टाटा का ले लिया। तो इससे क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो स्टेबल होता है, मान लो रिलायंस का गिर गया ठीक है और टाटा का ऊपर हो गया, तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वो एक पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे बहुत ऐड आते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड ICICI का अपना होता है, हर बैंक का मोस्टली अपना हो ही गया है। अब ICICI बैंक ने अनाउंस करा है कि मॉर्टगेज लोन पोर्टफोलियो क्रॉसेस 1.5 ट्रिलियन माइलस्टोन, मेकिंग इट लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर इन द सेगमेंट। तो जब भी ये लार्जेस्ट वगैरह के बारे में पूछे तो ये देखना है कि किस वे में पूछ रहा है। तो इसमें लार्जेस्ट प्लेयर बने हैं मॉर्टगेज लोन पोर्टफोलियो। ये मॉर्टगेज लोन क्या होता है, इन विच प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट इज यूज एज कोलैटरल। जैसे हम कई बार होम लोन भी लेते हैं तो उसमें हमारे घर के कुछ पेपर्स बैंक के पास होते हैं, तो वो लोन जिसमें हमने कुछ भी प्रॉपर्टी या फिर अपना रियल इस्टेट कोलैटरल पे, मतलब गिरवी रखा है बैंक पे, उस लोन को हम बोलते हैं मॉर्टगेज लोन। तो ICICI बैंक ये लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर बन गया है इस सेगमेंट का। एक और न्यूज़ है, RBI ने अलवर का जो बैंक था उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो इसे निमोनिक्स ने अलवर में वार हो गई RBI की, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सॉरी ADB हो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने $503 मिलियन दिए, किसको दिए, बिहार को।
फॉल्स सन कैनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इसमें हमें याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार को किसने दिया है, या फिर एडीबी ने 503 मिलियन $ किस स्टेट को दिया है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक और एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशिया पार्ट है वर्ल्ड का, ऐसे बिहार पार्ट है इंडिया का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये एशिया पे फोकस करेगा, वर्ल्ड के एक पार्ट पे। ऐसे बिहार इंडिया का एक पार्ट है। तो मतलब आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बस मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर आप पे ज़्यादा नॉलेज होती है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नाबार्ड ने अपने 36 ईयर्स कंप्लीट करे हैं, और उसने 37 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है 12 जुलाई को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी कौन सा बैंक है जिसने अपना 37 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है। तो है नाबार्ड। ये डील करता है एग्रीकल्चर और सेक्टर से ज़्यादातर जो भी लोन वगैरह होते हैं वो नाबार्ड के थ्रू होते हैं। एक और न्यूज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ ने अनाउंस करा है म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन बिजनेस अपना फेसबुक मैसेंजर आर्या पे। ये थोड़ी सी अलग न्यूज़ हो जाती है कि ऐसे कौन सा बैंक है या फिर कौन सी सिक्योरिटीज़ लॉन्च करी है किसी ने जो फेसबुक मैसेंजर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो उसका आंसर हो जाएगा HDFC। और इसका और नाम याद रखेंगे, जो असिस्टेंट देगा, जो इन्होंने एक तरह से ऐप बनाई है, उसका नाम है आर्या, फेसबुक मैसेंजर से। तो ये देखने कितना ज़्यादा डिजिटाइज हो रहा है HDFC। मतलब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम आप अपना म्यूचुअल फंड भी ऑपरेट कर सकते हैं। सॉरी, वन सेकेंड। हाँ, अब लास्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एयरटेल पेमेंट बैंक को अप्रूवल मिल गया है अपने नए कस्टमर ऐड करने का। फ्रेंड्स, क्या हुआ था, अगर आपको पुरानी न्यूज़ पता हो तो एयरटेल ने बहुत सारे लोगों के पेमेंट बैंक खोल दिए थे, जबकि वो सिर्फ नंबर लेने गए थे अपना। तो इससे RBI ने उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि तुम अब नए कस्टमर नहीं बना सकते हो अपने पेमेंट बैंक के। तो वो वाली जो रिस्ट्रिक्शंस की वो हट गई, इसलिए वो न्यूज़ में दे रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI हैज़ मैंडेटेड कंपल्सरी टू परचेजर नेम ऑन इंस्ट्रूमेंट। ये वैसे पहले भी था, इसमें बस RBI ने कहा है कि जो हम DD पे ऑर्डर कुछ भी बनाते हैं, इसमें अब कंपल्सरी कर दिया है कि नाम होना ज़रूरी है कि किसने परचेज करा है। कोई भी, चाहे आपने DD बनवाया है, उसमें अब आपका नाम होना ज़रूरी हो गया है। वैसे पहले भी था, बट अब एक लॉ बन गया है कि ये कंपल्सरी है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, LIC ने 51% स्टेक ले लिए हैं IDBI बैंक के। क्या था, ये बैंक लॉस में चल रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा NPA हो गया था, तो इसके कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए LIC ने इसके 51% स्टेक ले लिए हैं। तो इसे याद करने के लिए, किस बैंक के LIC ने स्टेक लिया 51%, तो मैंने ये ID कार्ड दे दिया है, यह LIC का ID कार्ड। तो LIC ने किस बैंक का लिया, IDBI। तो शायद अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो वेल एंड गुड। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ है, SEBI एंड NABARD जॉइन हैंड्स टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री क्रेडिट टू जॉइंट लाइब्रेटरी ग्रुप इन तेलंगाना। तेलंगाना आपको पता है साउथ इंडिया का एक स्टेट है हमारा। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि NABARD एग्रीकल्चर सेक्टर से डील करता है और SBI इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, तो ज़्यादातर जो ग्रोथ का काम होगा उसमें ये भी साथ देता है। तो ये कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देगा, कुछ भी गिरवी नहीं रखेगा, और ये किसे लोन देगा, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। ये ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, हम 4-5 दोस्त हैं, हमने मिलकर ग्रुप बनाया और हम बैंक के पास गए। मान लो हम 4 फ्रेंड हैं और जो हमारा ABCD फ्रेंड्स हैं, तो ए फ्रेंड को लोन चाहिए, लेकिन बैंक गारंटी लेगा ABCD चारों से। इससे क्या होता है कि बैंक को एक ज़्यादा भरोसा होता है कि 4 जने एक साथ डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, और अगर ए ने भी डिफ़ॉल्ट करा, पैसे नहीं दिए, तो ABCD जो चारों फ्रेंड्स हैं उन चारों को बैंक मतलब रेड ब्लॉक लिस्ट में डाल देगी कि इन्हें अब कभी भी किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़े ट्रस्ट वर्थी ऐसा हो जाता है कि पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए हम जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वो भी इसी तरह वर्क करता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम, किसान मेला ऑर्गेनाइज करा है SBI। तो देखिए कि आजकल ये SBI बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ये रूरल सेक्टर के लिए और ये किसानों के लिए। इसमें SBI ने क्या करा, फाइनेंशियल लिटरेसी टू फार्मर्स, मतलब इसमें SBI बताएगा फार्मर्स को बैंक के बारे में, ताकि वो जो होते हैं ना सेठ होते हैं बैंक में, उनसे लोन ना ले, इजीली बैंक से लोन ले,
ताकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाए। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब फाइनेंस जो भी बैंक में जो काम होता है, कैसे बैंक काम करता है, उसके बारे में पढ़ाएगा फार्मर्स को। स्टेट फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच बनाया जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। तो जम्मू और कश्मीर में एक ब्रांच खुली है जम्मू और कश्मीर बैंक की, जिसमें सारे स्टाफ होगा वो वुमेन का होगा। तो ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है, तो आप ये याद रख सकते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट हो गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। पहले क्या था ये? माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस क्या होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में? माइक्रो फाइनेंस बैंक एक्चुअली बैंकों से लोन लेते हैं, बैंकों से पैसे लेते हैं और आगे लोन देते हैं। ये डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लेते हैं, और एक्चुअल में ये एक तरह के बैंक नहीं होते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं। इन्हें लाइक ये चेक इश्यू नहीं कर सकते, इन्हें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इनके ऊपर। लेकिन अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए हैं, तो ये एज अ बैंक वर्क कर सकते हैं। लाइक ये डिपॉजिट भी ले सकते हैं, ये चेक भी इशू कर सकते हैं, ये अभी ये सारे काम कर सकते हैं। डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बैंक था जो अभी कन्वर्ट हो गया माइक्रो फाइनेंस से स्मॉल फाइनेंस बैंक में? तो उसका नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना, जन जन को मिलेगा अब लोन, ऐसे भी याद कर लो। अब न्यूज़ है, रेपको माइक्रो फाइनेंस को अवार्ड मिला है नाबार्ड 2018 अवार्ड। और क्यों मिला है? इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप इन तमिलनाडु को सर्विस दिया है, तमिलनाडु में सर्विस दिया। फ्रेंड्स, पहले हमने पढ़ा था तेलंगाना में सर्विस दिए SBI ने, और उसमें भी नाबार्ड इंक्लूड था। तो जैसे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है, ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ये बस फ़र्क कितना होता है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में लाइक 3 to 4 मेम्बर्स होंगे, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में अराउंड 10 मेम्बर्स तक होते हैं, और ये ज़्यादा रिलायबल होता है। तो हमें ये याद रखना है कि नाबार्ड 2018 अवार्ड किसको मिला है? वो है रेपको माइक्रो फाइनेंस। रेपको माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक ओपन करेगा 3 ब्रांच अपने, बहरीन, कुवैत एंड सिंगापुर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन तीन कंट्री हो, लाइक बहरीन, कुवैत और सिंगापुर में कौन सा बैंक है जो अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर रहा है, या फिर फेडरल बैंक किन कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस स्टार्ट करने वाला है? वैसे ये तो नहीं बनते, बट आपको आइडिया होना चाहिए। बहरीन, कुवैत आपको यहाँ पे मिलेंगे, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, और सिंगापुर सबको पता है इस साइड मिलता है। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सुकन्या गवर्नमेंट ने मिनिमम एनुअल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना कम कर दिया है 1000 से 250। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें जब भी लाइक अगर गर्ल बेबी आया है, तो उसकी जो फैमिली है वो 1000 रुपीज़ मिनिमम पर एनम या उससे भी ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं उसके अकाउंट में। तो पहले लिमिट थी कम से कम 1000 कर सकते हैं। तो जो ये पैसे हैं, जो भी ये मैच्योर होंगे, वो 18 साल के बाद होंगे, या तो वो अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकती है, या फिर वो शादी में यूज़ कर सकती है अपनी। तो पहले था कि कम से कम 1000 रुपये आपको जमा करने हैं, लेकिन उसकी लिमिट अब कर दी है 250। तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या थी, वो मैंने आपको बता दिया। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अब इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं गूगल करके। इसने अप्रूव कर दिया है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का कैपिटल बेस, जो कि अब हो गया 10,000 करोड़। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए ये है क्या। एक्चुअली ये एक फंड है हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन, लाइक जो हम 12th के बाद जो भी हमें मिलती है, लाइक BTech, MTech या PhD जो भी हम करते हैं, वो होती है हायर एजुकेशन। तो इसके लिए एक फ़ंड बना है जिसका नाम है राइज, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ये क्या है कि एक फ़ंड है जो अपने आप पैसे, मतलब लाइक पैसे कैपिटल बनाएगा, जो भी कैपिटल ये बनाएगा वो यूज़ होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो बस यही था इसमें न्यूज़ कि इसका जो कैपिटल बेस है वो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया। अब इसमें नेट न्यूट्रलिटी के बारे में दिया हुआ है। वैसे बस ये नॉर्मल न्यूज़ है कि टेलीकॉम कमीशन ने अप्रूव कर दिया है रिकमेंडेशन जो ट्राई ने दी थी अबाउट नेट न्यूट्रलिटी।
तो ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। आपको पता होगा फेसबुक ने निकाला था लाइक ज़ीरो बेसिक, जिसमें हम फ्री में नेट यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई ने वो बंद कर दिया। क्योंकि उसमें क्या होता था, अगर कोई आपको वो फ्री नेट दे रहा है, उसमें आपको सिर्फ पर्टिकुलर वेबसाइट चलेगी, लाइक बस फेसबुक चलेगा। तो इससे क्या हो सकता है, फ्यूचर में कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवा के सिर्फ अपना कंटेंट ही दिखाएंगे। लाइक मान लीजिए यूट्यूब ने सेटिंग करा हुआ है फेसबुक के साथ, तो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप मेटा कैफ़े या फिर किसी और साइट पे वीडियो देख रहे हैं तो स्पीड बहुत कम आ रही है। तो ये तो इसमें नेट न्यूट्रलिटी नहीं है, मतलब एक यूट्यूब को तो नेट बहुत अच्छा दे रहे हो आप, लेकिन मेटा कैफ़े को अच्छा नहीं दे रहे। तो इसलिए ट्राई ने बोला है कि नेट न्यूट्रलिटी होगी, मतलब आपको सबको एक ही स्पीड देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो। अब है IMF कट इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट। फ्रेंड्स ये वाली बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, क्योंकि IMF बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वो कोई फोरकास्ट देती है तो हमें वो याद रखना है। तो उसने दिया है 7.3% फॉर 2018, 7.5% फॉर 2019। और आप ये वैसे भी मेमोराइज़ कर ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो और भी ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट करती हैं वो इसके ही आसपास या फिर यही फोरकास्ट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस करंट अफेयर्स के बारे में। तो एक ब्रांड न्यूज़ है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो रहे हैं और ये लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन कंपनी बन जाएगी। तो ये पिक्चर मैंने बना दिया ताकि आपको याद रहे, वैसे भी याद रहेगा क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये चार पाँच चीज़ें जो हमें याद रहती हैं, उसमें से एयरटेल जियो तो अलग है ही, आइडिया और वोडाफोन मिल गए, तो ये दोनों मर्ज हुए, याद रखना है। हाँ, एयरटेल की एक कंपनी है इंफ्राटेल, जो जिसने जिसे क्लियरेंस मिल गया सेबी के द्वारा, अब वो मर्ज हो जाएगी इंडस टावर से। मतलब एक तरह से ये टावर कंपनीज हैं जो आपस में मर्ज हो रही हैं, ताकि ये नेटवर्क अपने और एयरटेल अपने नेटवर्क और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। HCL टेक्नोलॉजी सरप्राइजेस विप्रो टू बिकम थर्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये ऐसा बिजनेस करंट अफेयर आप याद रख सकते हैं कि HCL जो कंपनी थी, अब वो विप्रो से ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई है और अब वो थर्ड नंबर पर आ गई है। रिलायंस बीट TCS टू बिकम मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया। अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आया था कि TCS ने $100 बिलियन जो मार्क है वो क्रॉस कर दिया है, तो वो फर्स्ट कंपनी थी TCS जो इसने $100 बिलियन मार्क को क्रॉस करा था। बट अभी क्या हुआ कि रिलायंस ने TCS को भी क्रॉस कर दिया है, तो अभी रिलायंस नंबर 1 पे है, TCS इसके बाद आ गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेंगे पहली कंपनी जिसने $100 बिलियन मार्क अचीव करा था वो थी TCS। अब टाटा स्टील ने जर्मन स्टील जायंट के साथ टाई अप करा है और अब ये सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी बन गई है यूरोप की। और अच्छी न्यूज़ है कि जो फर्स्ट है वो भी अपनी यहीं की है, लक्ष्मी मित्तल जी की है। फर्स्ट और सेकंड पे अब हो गए टाटा प्लस जर्मन कंपनी। ये वाली न्यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, लाइक भारतीय इन्फर्टिलाइज गेट अप्रूवल फॉर कंपटीशन फॉर मर्जिंग ऑपरेशन विद इंडस टावर, ये वाली न्यूज़ ही है ये भी। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IFC इन्वेस्टेड $100 मिलियन इन महिंद्रा। तो वही जैसे हमने वो पढ़ा था, ADB ने 504 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे बिहार में, ऐसे ही हमें ये भी न्यूज़ याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक ने, पहले तो एशियन मैंने आपको बताया ना, एशियन एक स्पेसिफिक एरिया का था, अब आ गया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है $100 मिलियन किसको, महिंद्रा को। तो हमें याद रखना है महिंद्रा फाइनेंस अलग है, लाइक ये स्टेट नहीं है, बट ये होता है ना, ये तो हर जगह काम करेगी, ऐसे वर्ल्ड बैंक हर जगह काम करता है। तो उसने $100 मिलियन दिया महिंद्रा फाइनेंस को। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की, तो इसके बारे में हम देखेंगे। BSNL हमें पता है कि MTNL BSNL गवर्नमेंट की दो कंपनीज हैं। तो इसमें देखिए BSNL ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है विंग्स। इसके थ्रू आप डायरेक्टली इंटरनेट से कॉल कर सकते हैं, तो एक फर्स्ट इनिशिएटिव है किसी भी नेटवर्क ने जो करा है। वैसे हम व्हाट्सएप वगैरह से कॉल करते हैं, बट ये नेटवर्क नई अलग से एप्लीकेशन निकाली है विंग्स। यूट्यूब ने $25 मिलियन इन्वेस्ट करें टू काउंटर फेक न्यूज़। तो ये डायरेक्ट आजकल हम देख रहे हैं ना, बहुत सारी लिंचिंग हो रही है इंडिया में, या फिर उल्टे सीधे वीडियो बनते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यूट्यूब ने ही फेक न्यूज़ से फाइट करने के लिए $25 मिलियन लगाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट दोनों मिल गए हैं अमेजन से लड़ने के लिए, तो इसलिए मैंने ऐसे ये लाइन वाइन बना के बना दिया कि माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट कंबाइन हो गए हैं अमेजन से फाइट करने के लिए।
फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडियरी है फ़ोन पे। आजकल आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करेंगे तो फ़ोन पे से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता रहता है, तो आपको पता होगा फ़ोन पे फ्लिपकार्ट की कंपनी है। इसने एक्वायर करा है जोपर रिटेल को, तो ये बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किसको एक्वायर करा है और फ्लिपकार्ट किसकी कंपनी है। यूरोपियन यूनियन ने अल्फ़ाबेट कंपनी लाइक ने फाइन अल्फ़ाबेट एक पेरेंट कंपनी है गूगल की, तो यूरोप यूनियन ने उन्हें बहुत बड़ा फाइन लाइक फाइन उन पे चार्ज करा है। तो हमें याद बस ये याद रखना है कि किसने गूगल की कंपनी को लाइक फ़ाइन चार्ज करा है या फिर यूरोप यूनियन ने किस पे फाइन चार्ज करा। तो ये थी अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की कंपनी थी। अमेज़न ने क्रॉस कर दिया है $900 बिलियन मार्क। अभी इस टाइम सिर्फ दो कंपनी है जिन्होंने वैसा मार्क करा है, पहली थी एप्पल, दूसरी है अमेज़न। तो एप्पल अब भी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, उसके बाद है अमेज़न। जैसे था ना वो TCS एंड रिलायंस, बट रिलायंस ने TCS को बीट नहीं करा है, मतलब लाइक रिलायंस अब TCS से ऊपर आ गई है, बट इसमें अमेज़न सेकेंड कंपनी बन गई है जिसने $900 बिलियन मार्क अचीव करा है, फर्स्ट थी एप्पल। ONGC एक सर्विस प्रोवाइड करती थी हेलीकॉप्टर सर्विस, उसका नाम था पवन हंस। अब उससे वो एग्जिट कर गए हैं, तो बस ये याद रखना है कि ONGC किस सर्विस से एग्जिट कर गए हैं, वो थी हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस। फेसबुक ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका नाम है एथीना। तो उसका वर्क क्या होगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे रूरल नेटवर्क में। तो हम एथीना से अब अपना वर्ड निकाल सकते हैं। एंटीने लगे होते थे हमारे घरों में पहले, उनका काम यही होता था कि वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो, मतलब कनेक्टिविटी दें हमें और हमारे लिए TV भी चल जाए। तो ऐसी ये एथीना सर्विस है सैटेलाइट जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगी रूरल सर्विस में और अंडर सर्व एरिया में। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने क्विक नोट्स बनाए हैं क्विक रिविज़न के लिए। इसमें जो भी अभी हमने पढ़ा है वो सब छोटा छोटा लिखा हुआ है। मैं आपसे आपको गाइड करूँगा कि आप अपने खुद नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है। इंडिया ने किससे साइन करा, रवांडा के साथ। क्या क्या साइन करा, किगाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन और काउ टू विलेजर्स दिया किगाली को। तो ये बस मैंने दो लाइन में ये लिख दिया। इंडिया और युगांडा में कोई न्यूज़ नहीं थी, तो युगांडा की कैपिटल थी कंपाला, ये लिख दिया। ब्रिक्स में क्या हुआ था, समिट हुआ था जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका में, और बात की थी अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये लाइन में मैंने ख़त्म कर दिया। आपको पुराना वाला भी पढ़ना है, बट ये क्विक नोट्स हैं ताकि आप एक बार पेपर से पहले इन सबको देख लें और आपको पता लग जाए कि आपका कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ऐसे ही रमन मैगसेसे अवार्ड किसको, किस कंट्री के था, फिलीपाइन से रिलेटेड था। कैसे उसको मिला, भारत वतवानी एंड सोनम वांगचुक। ऐसे पूरा क्विक नोट्स कवर है, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इन सब का PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए, RBI ने अलवर बैंक को कैंसिल कर दिया, इस तरह से सब कुछ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नया इनिशिएटिव पसंद आया, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, आप इसे 2x पे भी देख सकते हैं, बट इतना सारा आपको एक महीने का कवर करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो प्लीज़ अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Because power is gained by sharing knowledge, not hoarding it. Thank you. Bye-bye.